हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजरानास किचन। आज मैं आप सभी के साथ चिकन मोमोज की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप एक बार घर पे बना लेंगे तो आप बाजार के मोमोज को खाना भूल जाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिकन मोमोज बनाना। चिकन मोमोज बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, और अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसका हम सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमारा यहाँ पे गुन चुका है, अब हम इसको ढक के रख देंगे। और ये मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन को घर में ही पीस के इसका कीमा बना लिया है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज डालेंगे, और ये आधा मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मोमोज बनाने के लिए हमने चिकन की स्टफिंग तैयार कर ली है, और ये जो हमने आटा गूंदा था इसको भी हम अच्छी तरह से एक बार और मिला लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर 1.5 लीटर करीब पानी डाल दिया है, और पानी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है तब तक चलिए हम मोमोज बना के तैयार कर लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए हम आटे में से छोटी सी लोई ले लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल के छोटी सी पतली सी रोटी बना लेंगे। और अब इसके ऊपर चिकन का कीमा डालेंगे। और ये देखिए मोमोज बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम और भी मोमोज बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये जाली वाली प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे, ताकि मोमोज बनाते वक्त इसमें मोमोज चिपके ना। अब इसके ऊपर हम मोमोज को रखेंगे। अगर आपके पास ऐसी जाली ना हो तो आप इसके बदले आटा छानने वाली छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके अंदर व्हाइट कॉटन का कपड़ा लगा के उसमें मोमोज बना सकते हैं। और ये यहाँ पे पानी भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर मोमोज वाली प्लेट रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे, और इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक इसे तेज आंच पे ही पकाएंगे। लगभग 6 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए मोमोज भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए टेस्टी और मजेदार चिकन मोमोज हमारे बनके तैयार हैं। चिकन मोमोज की इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजरानास किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।